पराक्रमी राजा नारसिंह का जन्म वर्ष 1823 में बल्लभगढ़ रियासत में हुआ था। उनके पूर्वजों ने वर्ष 1739 के आसपास फरीदाबाद में एक किले का निर्माण किया था। जब नारसिंह 9 साल के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, तब उनके चाचा ने राजकाज संभाला। वर्ष 1839 में नारसिंह की ताजपोशी हुई। 16 साल की आयु में नारसिंह का विवाह कपूरथला की राजकुमारी किशन कौर से हुआ था। राजा नारसिंह तलवार के धनी थे, साथ ही शासकीय कूटनीति में भी बड़े दक्ष थे। उन्होंने 1857 की क्रांति में न सिर्फ बहादुर शाह जफर के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, बल्कि गुड़गांव, रेवाड़ी, ग्वालियर और फरूख नगर की राजाओं को एक साथ लाने में भी बड़ी भूमिका निभाई थी। वर्ष 1857 में क्रांतिकारियों ने दिल्ली को अंग्रेजों से मुक्त कर बहादुर शाह जफर को जब फिर दिल्ली का शासक बना दिया था, तब उनकी देखरेख की जिम्मेदारी राजा नारसिंह को सौंपी गई। राजा के सैनिक दक्षिण और पूर्वी दिल्ली में दीवार बनकर खड़े हो गए। उन्होंने अच्छी मोर्चेबंदी कर दी और जगह जगह चौकियां बनाकर रक्षक और गुप्तचर नियुक्त कर दिए, लेकिन दिल्ली ज्यादा दिनों तक आजाद नहीं रह पाई। अंग्रेजों ने अचानक पश्चिमी छोर यानी कश्मीरी गेट के रास्ते से दिल्ली पर हमला बोल दिया, जिससे खलबली मच गई। बहादुर शाह जफर को भागकर हुमायूं के मकबरे में शरण लेनी पड़ी। नाहर सिंह ने बहादुर शाह को बल्लभगढ़ में शरण लेने को कहा, लेकिन वह नहीं गए। परिणाम स्वरूप बहादुर शाह गिरफ्तार कर लिए गए। अंग्रेजों ने उनके शहजादों को कत्ल कर दिया, जबकि नाहर सिंह ने बल्लभगढ़ में रहकर बहादुरी के साथ अंग्रेजों से मोर्चा लेना शुरू किया। आगरा से आती ब्रिटिश टुकड़ी को उनके सैनिकों ने मौत के घाट उतार दिया। राजा ने अनेक क्रांतिकारियों को बल्लभगढ़ में शरण भी दी थी। अंग्रेज नाहर सिंह के पराक्रम से बड़े परिचित थे। वे जानते थे कि नाहर सिंह से सीधी लड़ाई में वे जीत नहीं सकते, इसलिए उन्होंने एक साजिश रची। राजा नाहर सिंह को उन्होंने यह कहकर दिल्ली बुलाया कि उनके मौजूदगी में वे बहादुर शाह जफर से संधि करना चाहती हैं। राजा नाहर सिंह जैसे ही लाल किले में घुसे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फिर अंग्रेजों ने बल्लभगढ़ पर हमला बोलकर उस पर कब्जा कर लिया। उसके बाद राजा के खिलाफ पलवल में सरकारी खजाना लूटने का झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसमें उन्हें फांसी की सजा देने का फैसला किया गया। क्रांतिकारियों में भय पैदा करने के लिए अंग्रेजों ने 9 जनवरी 1858 को चांदनी चौक में फब्बारे के पास, जहां उनका दिल्ली स्थित आवास था, राजा को फांसी पर लटका दिया। उनके साथ उनके सहयोगी गुलाब सिंह सैनी तथा भूरा सिंह को भी फांसी दे दी गई। राजा की संपत्ति भी जब्त कर ली गई। हालांकि फांसी देने की बात अंग्रेजों ने उनका शव उनके परिजनों को इसे डर से नहीं सौंपा था कि इससे रियासत के लोग नाराज होकर कहीं अंग्रेजों पर हमला न बोल दे। देश के लिए राजा नाहर सिंह के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। बल्लभगढ़ में स्थित उनके राजमहल को नाहर सिंह पैलेस के नाम से जाना जाता है, जिसके रखरखाव की जिम्मेदारी अब सरकार के पास है। राजा नाहर सिंह पर डाक टिकट जारी किया जा चुका है। बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन का नाम भी अब उनके नाम पर ही रखा गया है तथा उनकी शहादत को आज भी बेहद कृतज्ञता के साथ याद किया जाता है।